की सुपरस्टार आलिया भट्ट ने कैसे टॉलीवुड में अपना सिक्का जमा लिया है, एस एस राजामौली ने आलिया भट्ट के लिए ऐसा क्या कर दिया कि सब देखते रह गए, और किस तरीके से आलिया भट्ट ने गंगूबाई कड़ियावाड़ी और ट्रिपल आर के बीच संतुलन बनाए रखा। स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियो में, मेरा नाम है निदा। आज मैं बात करने वाली हूँ सुपर स्टार और फिल्म स्टार कह लीजिए, स्टार किड कह लीजिए, आलिया भट्ट की। इनकी जब स्टार्टिंग हुई थी तो बहुत ही ज्यादा फीकी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे इनकी गाड़ी बढ़ती रही ये पैसेंजर ट्रेन से सुपर फास्ट ट्रेन बन गई, और आज ये जहाँ जिस मुकाम पर पहुंच गई है वहाँ पर बहुत सारी एक्ट्रेस चाहती है कि आलिया भट्ट तक पहुंच सके। आपको बता दूं कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एस एस राजामौली ने आलिया भट्ट को इतनी अहमियत दी है जितनी शायद कोई किसी को देता हो। यानी कि अगर आप देखो ना, कॉर्पोरेट में राजमा की वैल्यू काफी है, वैसे ही एस एस राजामौली ने वैल्यू दी है आलिया भट्ट को। आई स्वर टू गॉड, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि आलिया भट्ट के लिए एस एस राजामौली ने ऐसा क्या किया है जो शायद कोई किसी के लिए करता है। जैसे कि आपको बताया कि आलिया भट्ट का ट्रिपल आर में एक छोटा सा मुन्ना सा नन्ना सा एक रोल होने वाला था, कैमियो, लेकिन अब एस एस राजामौली ने आलिया भट्ट के लिए बहुत एक्सटेंड कर दिया ये रोल। आपको बता दूं कि इससे पहले थोड़ा सा कैमियो था, लेकिन अब आलिया भट्ट के पास ना सिर्फ बड़े बड़े शॉट्स है बल्कि एक डांस नंबर है, एक रोमांटिक सॉन्ग है, और वो भी रामचरण के साथ। उसमें वो एक रोमांटिक एंगल दिखाने वाले। आपको बता दूं कि ये एक लव स्टोरी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जब एस एस राजामौली से पूछा गया कि आपने आलिया भट्ट को फिल्म में क्यों लिया और इस तरह की जो कहानी है सीता की वो कितनी इंपॉर्टेंस रखती है आज के दौर में, तो जिसके जवाब में एस एस राजामौली ने कहा कि हमें एक ऐसे एक्टर की जरूरत थी जो कमर्शियल और आर्ट के बीच में बैलेंस बना सके, और ये फिल्म रोमांटिक एंगल नहीं है लेकिन एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को दिखाती है, जिसकी वजह से हमें एक ऐसा एक्ट्रेस चाहिए थी जो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो। तो अगर आप समझ रहे हैं तो आलिया भट्ट के जो दीवाने हो चुके हैं वैसे राजामौली भी हो चुके हैं, और शायद रणबीर कपूर थोड़ा सा माइंड कर जाए, लेकिन आपको बताऊं कि रणबीर कपूर ने एक इंटरव्यू में ये बात कही भी है कि आलिया भट्ट ओवर अचीवर है और आलिया भट्ट उनसे बहुत आगे निकल चुकी है। यानी कि वो प्राउड है कि नहीं है ये तो नहीं पता होगा, लेकिन आपको बता दूं कि एस एस राजामौली ने कहा कि उनके टैलेंट की वजह से एस एस राजामौली ने इस फिल्म में उनका रोल बढ़ा दिया है और अब वो बहुत ही बढ़िया इस फिल्म में एक्टिंग करने वाली है। आपको बता दूं कि इसी के साथ संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई कड़ियावाड़ी की वो शूटिंग कंप्लीट कर रही थी, और उसके बाद जैसे ही वो खत्म होती थी वो हैदराबाद चली जाती थी, वहां पर ट्रिपल आर की शूटिंग करती थी, और अभी हाल ही में उन्होंने ट्रिपल आर की एक लास्ट स्केड्यूल शूट किया है। इसके अलावा अब एक नया एक्सटेंड कर दिया गया है पार्ट, तो उसकी शूटिंग भी कंप्लीट करेंगी। तो इतनी ज्यादा अहमियत एस एस राजामौली आलिया भट्ट को दे रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रही होंगी टॉलीवुड की एक्ट्रेस, आपको क्या लगता है बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल देखना है कि फिल्म की जितने भी और भी एक्टर हैं, क्रू मेंबर्स हैं, उनको कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि जब आपको पता है कि ग्रुप में कोई एक नया बंदा ऐड होता है और कोई एक मेन इंपॉर्टेंट इंसान उसको बहुत ज्यादा अहमियत देने लग जाता है तो लोगों को थोड़ा सा खटकता है। तो देखना है कि क्या किसी को आलिया भट्ट खटकेगी, आपको क्या लगता है बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल देखना है कि आलिया भट्ट के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी एस एस राजामौली ने डाल दी एक्सपेक्टेशन की, अब देखना है कि आलिया भट्ट उसको किस तरीके से कैरी करने वाली है। आप बता सकते हो कि क्या आलिया भट्ट इस फिल्म में चमकने वाली है या एस एस राजामौली की एक्सपेक्टेशन को उठाने वाली है, आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी फिल्मों की जानकारी के लिए, फिल्म रिव्यू रेटिंग जानने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को, जहां पर हम आपको हर फिल्म की खबर देते हैं।